हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको कैक्टस के बारे में बताएंगे। हमारे पास कुछ कैक्टस के प्लांट्स हैं, उनके बारे में बताऊँगी कैसे आपको लगाना है, कैसे आप उससे कई प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, कैसे केयर करना है। ऐसे कैक्टस की कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हार्डी प्लांट है। बस उसमें ध्यान दीजिए कि पानी उसमें रुके ना, उसके पॉट में, और थोड़ा सा उसमें सैंडी मिट्टी होनी चाहिए, सैंड ज़्यादा होना चाहिए, सैंड का पोर्शन। तो ये देखिए, ये मेरा पेंसिल कैक्टस है। ये काफ़ी आर्टिस्टिक प्लांट लगता है मुझे। देखिए, खाली स्टेम स्टेम रहती है इसमें। जब स्टार्टिंग में इसकी स्टेम आती है तो वो लीफ की तरह आपको लगेगी, फिर वो भी स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये आप कटिंग कहीं से भी निकाल लीजिए, यहाँ से ऐसे चाकू से या जो कटर आता है उससे काट के इसको आप सैंड में या सैंड मिक्स मिट्टी में लगा दीजिए, आराम से हो जाता है। इसको मैंने थोड़ा सा कोकोपीट डाला क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा बड़ा करना था। काफ़ी खूबसूरत प्लांट लगता है मुझे, तो मैंने इसमें थोड़ा कोकोपीट डाल के सैंड और मिट्टी डाल के लगाया, तो ये काफ़ी अच्छा हो गया है। ये देखिए, इसकी स्टेम देख रहे हैं कितनी बड़ी हुई है। ये पेंसिल कैक्टस है, इसको आप छोटे से छोटे मग में भी लगा सकते हैं। एक प्लांट लाए थे इसका हम, इससे हम कटिंग कर करके 3-4 पॉट तैयार किए हैं। देखिए, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये प्लांट। आप इसको भी आराम से लगा सकते हैं, इसमें कांटे नहीं होते हैं। सबसे प्लस पॉइंट इसका रहता है कि इसमें कांटे नहीं होते हैं, इसको आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। कोई ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं, बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है इसकी, तो आप इसे लगाइए। ये दूसरा कैक्टस मेरा, इसका नाम फिश बोन कैक्टस है। काफ़ी खूबसूरत है, देखिए ये इतना लंबा हुआ है। ये हमारा कैक्टस, फिश बोन कैक्टस, इसको हम सूरत से लाए थे। हमारी दीदी रहती है वहाँ पे, वहीं से हम लेके आए थे। उन्होंने बस ऐसे इसकी कटिंग दे दी यहाँ से काट के, तो हम ला के ऐसे लगा दिए। तो इसको भी आप ऐसे कटिंग करके लगा सकते हैं, या तो फिर आप एक प्लांट बैग खरीद सकते हैं। तो ये कटिंग से आराम से ग्रो हो जाता है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है ये भी। ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, इसमें फूल भी आते हैं। अभी तो मेरे यहाँ अभी एक भी फूल नहीं खिले, लेकिन इसमें फूल भी आते हैं। आप इसको छोटे छोटे मग में लगाइए, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये। तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। कैक्टस में कुछ प्लांट कटिंग से लगते हैं, कुछ जो है उसको छोटे छोटे पफ्स निकाल के लगाए जाते हैं। अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरे थोड़े कैक्टस के कलेक्शन हैं। तो अभी मैंने आपको इसके पहले ये पेंसिल कैक्टस दिखाया है। देखिए, मैंने इसको विम्बार वाले, जो विम्बार की पैकिंग आती है, उसके पैकेट में लगा रखा है। तो इसको मैंने दीवार के ऊपर रखा है, तो ये विम्बार का पैकेट तो दिखता नहीं है, केवल ये पेंसिल कैक्टस का प्लांट दिखता है। क्योंकि इसके सामने हम छोटे छोटे पॉट इसके बराबर वाले रख देते हैं, तो ये इसका पॉट तो ढक जाता है। तो इस तरह आप भी अपने घर में कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हैं। प्लांटेशन सबसे बेस्ट तरीका है, ग्रीनरी भी मेंटेन रहेगी और आपके घर में चीज़ों का यूज़ भी हो जाएगा जो आप फेंक देते हैं। तो ये देखिए, ममिलारिया, इसका मैंने वीडियो बनाया है, आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका लिंक। ये है वर्थिया है, इसको सकलेंट में रखते हैं। कुछ लोग सकलेंट में रखते हैं, कुछ लोग कैक्टस में रखते हैं। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, छोटा सा है, एकदम फ्लावर के लुक में आता है ये, काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसको आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। देखिए, मैंने शैम्पू का ढक्कन है उसमें लगाया है, और इसमें देखिए साइड से छोटे छोटे प्लांट, इसके पप्स भी आ रहे हैं। इसको इसमें ऐसे ही साइड से पप्स आते रहते हैं, आप उसको निकाल के दूसरा पॉट तैयार कर लीजिए, छोटे से पॉट में लगा सकते हैं आप। ये देखिए, दूसरा मैंने ये मसाला का डब्बा में जो बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, उसमें लगाया है मैंने। तो ये भी हेवर्थिया, हेवर्थिया के कई प्लांट हमारे यहाँ हो गए हैं। हम छोटा सा प्लांट लेके आए थे, 50 रुपये में दिया था हमें नर्सरी वाले भैया ने, तो उसमें से ऐसे छोटे छोटे पप्स आते रहते हैं, तो उसको मैंने जो है कई प्लांट उससे तैयार कर लिए हैं। ये ममिलारिया है, ये देखिए,
यूफोरबिया, इकोगोना, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। देखिए इसकी भी कटिंग लगती है, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, इसको मैंने कटिंग से ही लगाया है। ये देखिए हेवर्थिया के कितने सारे प्लांट इसमें आए हैं, छोटे 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 देख रहे हैं। ये मेन ये मदर प्लांट है इसका, इसमें साइड से ये एक प्लांट आया है। ये देखिए इसमें छोटे छोटे दो और प्लांट आ रहे हैं, तो आप इसको अलग करके लगा सकते हैं, नहीं तो इसी में रहने दीजिए, घना हो जाएगा, काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा। ये मामिलेरिया, ये जो मामिलेरिया है उसी का सेम है, इसको मैंने इसी में से पप निकाल के लगा दिया था तो इसमें भी आ गया। ये एक कैक्टस है, इसका नाम मुझे नहीं याद है, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत छोटे से मग में कप में मैंने लगाया है, ये एक काफ़ी खूबसूरत हुआ है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये हमारा जिम्नोकैलिशम, ये भी काफ़ी खूबसूरत, इसमें भी पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, इसमें भी छोटे छोटे पप्स निकलते रहते हैं, उससे आप लगा सकते हैं जिम्नोकैलिशम। ये हम दिल्ली से लाए थे। और ये इचिनोप्सिस ऑक्सीगोना, ये काफ़ी ईजिली हो जाता है, काफ़ी घना होता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये, इसको भी आप पप से लगा सकते हैं, छोटे छोटे पप्स जो साइड से निकले हुए हैं इसको निकाल के आप छोटे से मग में लगा दीजिए, काफ़ी खूबसूरत ये तैयार हो जाता है। ये देखिए मामिलेरिया, वही जो मैंने आपको अभी दिखाया वही है। ये देखिए ये कैक्टस है, इसका भी नाम मुझे नहीं पता है, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स हैं कैक्टस के। ये हेवर्थिया मैंने देखी, ये बहुत सारे हेवर्थिया मैंने तैयार किए हैं, एक प्लांट लाए थे उससे कई सारे प्लांट तैयार किए। इस तरह कैक्टस में आप कुछ प्लांट जो है पप से लगते हैं, कुछ कटिंग से लगते हैं, जैसे ये मेरा यूफोरबिया, ये कटिंग से लगता है, ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसका बड़ा प्लांट दिखाती हूँ, मदर प्लांट, ये देखिए ये इस मदर प्लांट है यूफोरबिया ऑक्सीगोना ट्राइकोना का, यूफोरबिया ट्राइगोना का ये मदर प्लांट है, इसी से हम कटिंग करके नए नए प्लांट तैयार करते रहते हैं। देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कैक्टस में भी कई वैरायटी आती हैं जो काफ़ी खूबसूरत प्लांट लगते हैं। तो गाइज ये मेरे कुछ कैक्टस के कलेक्शन हैं जिनको मैंने अभी आपको बताया, कुछ पप से लगते हैं, कुछ कटिंग से लगते हैं, बहुत ईजिली ग्रोइंग है। बस इसको आप शेडी एरिया में मत रखिए, धूप में रखिए, और बस बारिश में ध्यान दीजिए कि इसमें पानी रुके ना, इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे से हो, पानी एकदम ना रुके। पानी आप नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा, महीने में एक बार डाल दीजिए, 20 दिन 25 दिन में एक बार डालिए, तो इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस एक ड्रेनेज का ध्यान दीजिए और बालू मिक्स करके आप इसका मिट्टी तैयार कीजिए, और कोकोपीट डाल देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। तो ये इस तरह हम ये कैक्टस आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसका मैंने वीडियो बनाया था, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख सकते हैं। ये मेरा प्लेट मैंने डेकोरेट किया था, कल बारिश हो रही थी तो हम ला के इसको बाहर रख दिए, नहीं तो इसको हम इंडोर यूज़ करते हैं कैबिनेट पे रखे हुए। तो ये ओके गाइज, तो ये मेरे कैक्टस का कलेक्शन, आपको कैसा लगा? आप वीडियो पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।